ओम शांति। मेरा नाम ज्योति है और मैं इस ज्ञान में 2 वर्ष से चल रही हूँ। इस ज्ञान में आने का मेरा जो वजह है वो बहुत ही अलग सी वजह है। लोग कई कारणों से दुखी होते हैं तो फिर भगवान को तलाशते हैं और ज्ञान में आते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मैं टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो मैं उन्हें बिग बॉस में देखने लगी थी और उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, तो मैं उनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन हो गई थी। फिर अचानक ये हुआ कि उनकी मृत्यु का समाचार आया, तो मैं उनसे इतनी ज़्यादा अटैच हो गई थी कि वो ने समाचार मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। इससे पहले भी मैंने कई डेथ देखी हैं मगर मुझे कभी इतना वैराग्य आया नहीं जितना कि सिद्धार्थ के जाने से मुझे आया। मैं बहुत बेचैन हो गई, भगवान से सवाल करने लगी कि भगवान ये क्या है और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था। मेरे अंदर बहुत बेचैनी बढ़ने लगी, मैं कुछ तलाशने लगी, तो तब देखा कि सिद्धार्थ की माँ को अचल अडोल, वो उनका इकलौता बेटा था और बहुत प्यार करते थे माँ बेटे आपस में, मगर जब उनके बारे में देखा कि वो इतनी स्थिर हैं और सबको सांत्वना दे रही हैं तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने ही हम फैंस के लिए राजयोग कोर्स ऑर्गेनाइज कराया, हमने राजयोग कोर्स ऑनलाइन किया। मैं हालांकि भक्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी मगर बस ये पता था कि कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, और भगवान को लेकर मेरे मन में बहुत सारे संशय होते थे। मैं लोगों को देखती थी कि किस तरह से भक्ति करते हैं, कि स्वर्ग नर्क की बातें होती थी, तो मेरे मन में कई तरह के प्रश्न उठते थे कि स्वर्ग नर्क क्या होता है, और क्या जैसे आसमान में कहते हैं स्वर्ग नर्क है तो क्या जैसे हमारे देश बटे हुए हैं तो क्या ये स्वर्ग नर्क भी बटे हुए हैं, भारत का स्वर्ग क्या अलग होता है, दूसरे देश का स्वर्ग क्या अलग होता होगा। इस तरह से मेरे मन में बहुत तरह के प्रश्न होते थे। फिर जब वो राजयोग कोर्स कर रही थी और एक दिन कल्प वृक्ष का रही थी, वो एकदम से मुझे कौंधा अंदर से, मैंने कहा यही तो है जो मैं ढूंढ रही थी कि भगवान कौन है और ये सृष्टि कैसे चलती है, इतने धर्म हैं, इतने भगवान, इतने स्वर्ग नर्क, ये क्या है। तो ऐसे लगा जैसे इन प्रश्नों का उत्तर तो यहीं पर छुपा है। फिर उनने कोर्स कराया तो उस समय कोरोना चल रहा था और लॉकडाउन अभी अभी खुला ही था, तो फिर उन्होंने ही हमें इंसिस्ट किया कि आप लोग जो है अपने निकट के सेंटर जाएं और वहाँ पर जो के मुरलियाँ सुनें और आगे ज्ञान की यात्रा में चलें। फिर एक दिन मेरा जो है अपने सेंटर पर आना हुआ, फिर यहाँ की दीदी ने मुझे नए सिरे से राजयोग कोर्स कराना शुरू किया। कोर्स कराते कराते मेरे अंदर बहुत कौतूहल था, क्यूरियोसिटी मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, तो दीदी से मेरी कई बार जो है बहस भी हो जाती थी, मैं मानती नहीं थी कि वो क्यों कह रही हैं ऐसा। लेकिन दीदी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे कई सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन अभी कुछ समय के लिए तुम शांत रहो और मुरलियाँ सुनो, जब तुम मुरलियाँ सुनोगी तो तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलते जाएंगे। बस मैं बाबा का शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैंने उनकी इस बात को माना और मैं सेंटर पर आती रही, मुरलियाँ मैं सुनती रही। और मुरली तो मैं कहूँगी इतनी अद्भुत होती हैं, इतनी अद्भुत, क्योंकि परमात्म वचन है ना, तो सुनकर ही बाबा जब कहा करते थे बच्चे तुम शिव शक्तियाँ हो और इस विश्व को परिवर्तन करना है तुम्हें, तो वो मुझे इतनी अमेजिंग लगती थी, मेरे अंदर गूजबम्स आ जाते थे कि बाबा मतलब क्या कह रहे हैं ये कि हम शिव शक्तियाँ हैं और विश्व परिवर्तक आत्मा हैं। वो मुरलियों मुझे हिला कर रख दिया उन मुरलियों ने, और वो परमात्म वचन जो हैं उन्होंने जीवन को बदल कर रख दिया। हमारी जो दिनचर्या है वो परिवर्तित हो गई। मैं स्वभाव से बहुत क्रोधी हुआ करती थी, मैं शांत होती चली गई स्वभाव से। परिवार में ज़रूर मेरा विरोध हुआ, मेरे परिवार को सबसे पहले तो ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एक टीवी एक्टर ख़त्म हो गया तो तुम्हारी ज़िंदगी क्यों, तुम ऐसा वैरागी क्यों बन गई, तुम्हारी ज़िंदगी इतने में परिवर्तन क्या हो गया। मैंने उनसे कहा कि वो एक निमित्त आत्मा थी,
जो मुझे इस ज्ञान में ले आई, लेकिन अब ये ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मेरा जीवन बदल रहा है, मेरे जो भी कौतूहल थे, क्वेश्चन थे, उनका मुझे यहाँ पर आंसर मिलता है, इसलिए मैं इस ज्ञान में आती हूँ। मैं कई श्रेष्ठ आत्माओं के अनुभव सुनती थी कि वो लोग सुबह अमृत वेले उठते हैं, योग करते हैं, तब मैं समझती थी कि हम तो साधारण लोग हैं, ये तो बस उन्हीं श्रेष्ठ आत्माओं के काम हैं। लेकिन आज देखिए कि हम भी वही कर्म कर रहे हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान को भोग लगा के योग करते हैं। तो मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मैं सोचती थी हम तो साधारण हैं, ये तो उन श्रेष्ठ आत्माओं के काम हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि इस राजयोग कोर्स से मेरी जीवन बिल्कुल बदल गया है, और मैं और आत्माओं को भी मुझे लगता है कि अब प्रभावित करना मैंने शुरू कर दिया है। मेरा जो बच्चा था वो काफ़ी पढ़ने में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था, मैं बहुत चिंतित रहती थी उसके लिए कि क्या होगा इसका, लेकिन मैं योग करती हूँ, मेरे योग का प्रभाव कहें कि क्या उस बच्चे में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, अब वो पढ़ने लगा। इस साल उसने 10th का एग्ज़ाम बहुत अच्छे, बच्चा जो कभी पुस्तक को उठाता नहीं था वो आज अच्छे 1st डिवीज़न मार्क से पास हो गया। तो मैं कहूँगी कि ये राजयोग का ही प्रभाव है जो अब मेरे घर को भी परिवर्तन कर रहा है। अब मेरे पति भी बहुत सहयोगी हो गए हैं, और अब मेरे साथ वो जो है माउंट आबू भी चल रहे हैं शिविर में, और मेरी आशा है कि वो भी बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएंगे और वो भी मेरे साथ यहाँ पर सेंटर में आने लगेंगे। तो मैं ये दिल से चाहती हूँ कि इस राजयोग कोर्स को ज़रूर लोग अपनाएं और समझें कि ये क्या है। ये कोई एक सत्संग नहीं है, ये जीवन को परिवर्तन कर देने वाला एक यज्ञ है। हम इसका एक जो वाक्य है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आज ये जो पृथ्वी है, ये धरती माता जो है, हमारे चाल चलन से, हमारी जो लालच है मनुष्य आत्माओं की, उससे धरती माता चित्कार रही है, ये प्रकृति के 5 तत्व हमसे नाराज हो गए हैं। तो जब हम बदलेंगे तो ये धरती, ये प्रकृति बदलेगी और सतयुग आएगा। तो इस बात को, ये संदेशा को हमें हर आत्मा तक लेकर जाना है, ताकि ये धरती पुनः जो है पुनः जागरण हो सके और नया युग स्थापित हो सके। ओम शांति।